आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। मंदसौर के बड़बन गांव का एक दुल्हा अपनी दुल्हनिया लेने हेलीकॉप्टर से रवाना हुआ। इसको लेकर दुल्हा दुल्हन दोनों के गांव में बकायदा हेलीपैड तैयार किया गया। जब दुल्हा हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपनी बारात लेकर रवाना हुआ तो पूरा गांव उसे खुशी खुशी विदाई देने पहुंचा। इस पल के दौरान परिवार में खुशी का माहौल देखा गया। माँ बाप अपने बच्चों की हर ख्वाहिशें हर समय पूरी करने की हर संभव कोशिश करते हैं और जब वह ख्वाहिश उम्मीदों से अधिक पूरी हो जाए तो फिर बात ही कुछ होती है। ऐसी ही एक ख्वाहिश मंदसौर जिले के बड़बन गांव में एक पिता ने अपने बेटी की शादी के दौरान पूरी की है। बेटा अपनी दुल्हन लेने हेलीकॉप्टर में सवार होकर निकला। आपको बता दें कि ये बारात बड़बन गांव से रियावन गांव पहुंची है। दोनों गांवों में हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड तैयार किया गया। गांव में लोग इस अजब गजब बारात को देखने बड़ी संख्या में पहुंचे। दरअसल गांव व बड़बन के रमेशेंद्र धाकड़ ने अपने इकलौते बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से ले जाने की सोचा। जब ये बात पिता रमेशेंद्र ने बेटे यशवंत को बताई तो वह भी गदगद हो गया और आखिर तय हो गया कि बारात हेलीकॉप्टर से ही ले जाई जाएगी। और आखिरकार गुरुवार शाम दुल्हा यशवंत अपनी दुल्हनिया भावना को लेने हेलीकॉप्टर से रवाना हो गया। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के बारात का खर्च करीब 8 लाख रुपए आया है। विवाह समारोह में शामिल होने आए सभी मेहमानों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तस्वीरें भी भेंट की गई। बारात शुक्रवार सुबह गांव बड़वन लौटेगी। गुरुवार को बारात रवानगी के दौरान एहतियात पुलिस बल भी तैनात रहा। बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने का सोचा था, इसलिए उन्होंने करा है कि बच्चों की अच्छी खुशी के लिए जितना बढ़ के कर सकते अपन करें, इसलिए किया। प्रेरणा अपने आप ही जगी कि मैंने कहा नेता या बड़े लोग उद्योगपति या बिजनेस में नहीं कर सकता, क्या किसान कुछ नहीं कर सकता? क्या किसान भी सब कुछ कर सकता है? इसलिए मैंने करके दिखाया बच्चों के लिए। और दुल्हन को लाने के लिए मेरा सपना था कि दुल्हन जब अपने घर आए इसे धूमधाम और प्लेन में आए ताकि उसे भी ऐसी खुशी महसूस हो कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं जा रही हूँ, इतने अच्छे मेरे को सास ससुर नहीं अच्छे माता पिता मिले, इसे सपने के लिए उन्होंने किया। बारात बड़वन से रियावन कालूखेड़ा जा रही है और रात भर कार्यक्रम होने के बाद सुबह 22 तारीख सुबह वापस से लैंड करेगी। मेरा सपना साकार हुआ है, मेरा एक ही लड़का है यशवंत धाकड़, इसके लिए करा है। ये गांव बड़वन से रियावन तक जाएगा। पिताजी ने देखा था, मेरा सपना था स्कॉर्पियो से जाना, पापा का सपना था हेलीकॉप्टर में ले जाना। तो पापा की पूरी इच्छा है और मैं पापा को भगवान का दर्जा दे सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, सारी उनकी इच्छा है कि हेलीकॉप्टर बिठाना है। ये अपने इस तहसील में दलौदा तहसील में तो ये पहला कार्यक्रम है जो कि अपना है, अभी तक पहले यहाँ नहीं हुआ ऐसा कार्यक्रम कुछ भी। बहुत अच्छा फील करता हूँ मैं, पापा को भगवान का दर्जा दे सकता हूँ बिल्कुल। यहाँ 4 बजे समथिंग आया है और यहाँ से जाने में इसको 12 से 15 मिनट लगेंगे बस, 45 किलोमीटर। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की ये रिपोर्ट। ये था आप तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।